वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मॉर्निंग का समय हो रहा है, बच्चे मेरे जा रहे हैं स्कूल। लो बाबू, दीदी जा रही है, टाटा करो। दीदी जा रही है, टाटा करो भाई। तो बच्चों के मामा लेके जा रहे हैं बच्चों के लिए स्कूल। तो यहाँ मेरी बेटी का कोई चीज़ रह गई थी तो वो लेने आई थी वापस, तो जा रही हैं दोनों। और मेरी बेटी का कल बर्थडे है तो आज स्कूल जा रही टॉफियाँ वगैरह लेके। यहाँ पे मेरा बाबू है, ये शैतानी कर रहा है, ये पीछे जाने के लिए कर रहा था। और मैंने यहाँ बनाया था मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में आलू, बिल्कुल सादा आलू बनाया, काली मिर्च और नमक डाल के, और कुछ नहीं डाला इसमें, और जीरा से तड़का दिया है। और यहाँ बना रही थी मैं पराठे। नाश्ता बच्चों को दे दिया है लंच, अब बस हम लोग नाश्ता करेंगे। तो इसके लिए मैं गरम गरम पराठे सेक रही हूँ, तो नाश्ता कर लेंगे हम लोग, क्योंकि दिन भर फिर पेंट वगैरह हो रहा है तो टाइम नहीं मिलता है। सुबह को नाश्ता कर लेते हैं तो थोड़ा पेट भरा भरा रहता है, तो इसलिए अब हम लोग भी कर लेते हैं नाश्ता। मैंने प्लेट लगा ली है और मैंने जो आलू बनाया है वो भी थोड़े से ले लेती हूँ। तो यहाँ हम लोग का नाश्ता हो गया, आप लोग भी कर लीजिए। और मैं, दोपहर का समय हो रहा है, मैं बच्चों के लिए बनाने जा रही हूँ चना पट्टी। तो यहाँ मैंने गुड़ ले लिया है, 200 ग्राम है, और मूंगफली के दाने ले लिए हैं, उसके छिक्कल उतार दिया था और मैंने डाल दिया है पैन में गुड़, मिठाई बोलते हैं इसको, और थोड़ा सा पानी डाला है, सॉफ्ट है बहुत, तो इसलिए मैंने ऐसे ही डाल दी है। और चम्मच से मैं इसको तोड़ दूँगी थोड़ा सा, बहुत जल्दी ये पिघल जाएगी। तो ये देखिए ये पिघल रही है, और बहुत अच्छे से, जब तक इसको ना ज़्यादा पकाना है हमें, और ना ही, क्योंकि हम ज़्यादा पका लेंगे तो ये कड़वी लगने लगेगी, और कम पकाएंगे तो ये खिंचेगी एकदम, मतलब सख्त नहीं बनेगी जैसे चना पट्टी होती है। तो इसको हमें नॉर्मल अच्छे से पकाना है, और चेक करने के लिए हम इसको कटोरी में पानी लेंगे और उसमें डाल के देखेंगे, थोड़ी सी ड्रॉप डालेंगे, फिर पता करेंगे कि ये पकी है नहीं पकी है। तो ये अच्छे से देखिए पक गई है, घुल गई है, और अब हम इसको थोड़ा सा चेक करेंगे पानी में एक दो ड्रॉप डाल के कि ये हमारा बन के तैयार है अभी नहीं। ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको चेक कर लेंगे। देखिए अब ये टॉफ़ी की तरह खिंचने टाइप का बना है, तो इसको हम थोड़ा 5 मिनट और पका लेंगे, उसके बाद हम मूंगफली इसमें डालेंगे। तो देखिए हमने 5 मिनट और पका लिया है इसको, और अब हम इसमें मूंगफली जो हमने रखी थी वो डाल देंगे। तो मूँगफली डाल के अच्छे से हमें जल्दी जल्दी इसको चलाना है, और हमने थाली में पहले ही ऑयल लगा के रखा था, आप चाहे कुछ भी लगा दीजिए, घी चाहे रिफाइंड कुछ भी। और मैं अब सारा इसमें डाल दिया है मैंने, और बेलन की मदद से इसको पतला पतला फैला दिया है, और अब मैं इसमें कट भी लगा दूँगी अभी, नहीं तो ये कट नहीं हो पाएगा फिर। तो मैं सब में कट लगा दूंगी, आप भी बना के देखिए, ऐसे बहुत अच्छी लगी थी और काफ़ी अच्छी बनी थी,
बच्चों को तो बहुत पसंद आई थी। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट में, ये थोड़ा ठंडा हो गया है, मैंने निकाल लिया प्लेट में। देखिए कितनी बढ़िया बनी है। यहाँ बनाने जा रही हूँ मैं चने की दाल की खिचड़ी। तो मैंने ले लिया है यहाँ पे मसाले, धनिया, नमक, काली मिर्च और पिसी मिर्च, जीरा और यहाँ प्याज, हरी मिर्च और चने की दाल और चावल भिगो दिए हैं। कुकर रख दिया है मैंने, ऑयल भी डाल दिया, ऑयल हो गया है और जीरा ऐड कर दिया है मैंने इसमें। जीरा भी मेरा हो चुका है तो इसमें मैं प्याज और हरी मिर्च ऐड कर रही हूँ और अच्छे से इसको भून लूँगी ब्राउन होने तक। मैं छौंक के चने की दाल की खिचड़ी बना रही हूँ। और इधर मैंने मसाले जो निकाल के रखे थे वो डाल दिए हैं इसमें, धनिया, मिर्च, काली मिर्च, नमक सब। और जो मैंने चावल और दाल भिगो के रखी थी वो भी मैंने इसमें ऐड कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल तरह से बना रही हूँ मैं चने की दाल की खिचड़ी, छुकी हुई, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी मैं। देखिए मैंने थोड़ी देर इसको भून लिया था और अब मैं इसमें पानी ऐड करूंगी। तो मैं इसमें थोड़ा उतना ही पानी ऐड करूंगी जितने में पक जाए। तो इसको एक बार चला देती हूँ। प्लेट ढक देती हूँ, इसको पकने दूंगी। ये देखिए पानी इसका काफ़ी हद तक जल गया, एक बार मैं चला देती हूँ इसको। अब मैं गैस को मीडियम कर दूंगी, मध्य बिल्कुल, और ढक दूंगी, भड़कने दूंगी इसको। तो ये देखिए मेरी चने की दाल की खिचड़ी बनके तैयार है एकदम। आप भी ऐसे बना के देखिए। और बस अब मैं इसको सर्व करूँगी। पापा आ गए थे मेरे, तो मैं उनके लिए गरम गरम देने जा रही हूँ। आप अचार के साथ दूंगी, आप चाहे दही के साथ खाइए, चाहे मीठे के साथ, काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैं अचार के साथ खाऊंगी और पापा को भी देने जा रही हूँ अचार के साथ ही। तो बहुत ही टेस्टी लगती है, आप भी बना के देखिए ऐसे। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? और अभी शाम के 6 बज रहे हैं और इस समय बिल्कुल समय नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मेरे घर में पेंट चल रहा है, इस कमरे में हो चुका है, सामान भी ऐसे फैला पड़ा है तो अभी शिफ्ट नहीं किया है, अभी भी जो है सेट करना है सामान। और अभी मैंने जो रेसिपी बनाई वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम निकाल के तो मैं वीडियो एडिट कर रही हूँ। तो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।